अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट एमी सिकरा हेयर। टुडे जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है, जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है यूनिट नंबर 4, डेसिमल्स एंड परसेंटेज। स्टूडेंट्स आपके लिए आपने इसको ये भी रिमेंबर रखना है कि जो 4 यूनिट है, यहाँ से आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, और वो यूनिट नेम क्या है? डेसिमल्स एंड परसेंटेज। डेसिमल्स मींस के कोई भी आपके पास वैल्यू जो कि पॉइंट के फॉर्म में गिवन होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में 78.42, ये आपके डेसिमल मींस के पॉइंट के फॉर्म में नंबर्स गिवन हैं। तो हम इस चैप्टर में डेसिमल्स के बारे में और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका क्या तरीकाकार होता है, इन दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए डिटेल में स्टडी करने के लिए और फर्दर आगे मूव करते हैं पेज नंबर 61 से पेज नंबर 62। जैसे जैसे हम इसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज फिल करेंगे, आपको डेसिमल और परसेंटेज के बारे में आइडिया हो जाएगा। जो स्टूडेंट सबसे पहले हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कंप्लीट द टेबल। आपके पास ये एक टेबल गिवन है और इसमें कुछ स्पेस जो है वो मिसिंग भी है। अब इन स्पेस को आपने कैसे फिल करना है, उस तरीके को देख लेते हैं हम, इसका क्या प्रोसीजर है। हमने जो कॉमन फ्रैक्शन है और जो डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल पॉइंट्स जो गिवन होते हैं, उन दोनों के बारे में इस कॉलम में स्टडी करना है कि इसको हमने किस तरह से फिल करना है। ये जो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट कॉलम में गिवन है 1/100, ये क्या है? कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, और ये 0.01 ये डेसिमल फॉर्म में है। तो जहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा उसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और जहाँ डेसिमल में है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। और आपने इसी तरह से ये पूरा जो ये पूरी जो रो गिवन है, इसको आपने फिल कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक तो डन है 1/100, तो इसका हम कैसे लिखेंगे डेसिमल में? 0.01। 0.01 से नेक्स्ट मूव करते हैं 2/10। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसे हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? इसके लिए मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवा देती हूँ किस तरह से करना है इसको सॉल्व। हमारे पास जो सेकंड वाला था वो क्या गिवन था? 2/10। आई थिंक ये आपको लाइट नज़र आ रहा है, लेट मी चेंज द पेंसिल। चलिए मैं इसे पेन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ आपको, ताकि क्लियरली नज़र आ जाए। अच्छा, 2/10 हमारे पास गिवन है, इसे हमने किस फॉर्म में लिखना है? डेसिमल के फॉर्म में। अब डेसिमल के फॉर्म में लिखने का जो प्रोसीजर है वो ये होता है कि सबसे पहले हमें तो ये पता है कि ये क्या है, डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड हम अगर इसकी डिवीजन करें तो हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है? जो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू होती है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। उसे हम क्या लिखेंगे? अंदर लिख देंगे। और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? यहाँ पर बाहर लिख देंगे। डिनोमिनेटर आपके पास गिवन है 10 और न्यूमरेटर क्या है? 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 2 जो नंबर है वो स्मॉल है और 10 इससे क्या है? लार्ज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रिक्वायर्ड करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे 2 के साथ भी हम ऐड कर देंगे 0। तो 10 2s are 20, यहाँ पे आ जाएगा 20। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जाता है 0। तो हमारे पास जो आंसर आया है 2/10 का, तो उसका आंसर क्या आया है? 0.2। तो डेसिमल में इसी तरह से हमने इसे क्या किया है? कन्वर्ट कर लिया है। 0.2 इसका आंसर है। तो आपने जो फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है वो इस प्रोसीजर से करना है, और आपके पास जो आंसर आएगा वो इस यहाँ पे आपने रिटर्न फॉर्म में लिख देना है। 2/10 का आंसर क्या आया है? 0.2। ओके, अब ये तो हमने किया था फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट। अब अगर आपके पास गिवन हो डेसिमल, उसे आप फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? चलें इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फ्रैक्शन को डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल क्या गिवन है? 0.47। मैं यहाँ पे इसे लिख रही हूँ 0.47। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? इसका प्रोसीजर ये होता है कि जहाँ पर पॉइंट होता है उसके नीचे हम 1 ऐड कर देते हैं। चलें मैं आपको करके दिखाती हूँ। जो पॉइंट है ना, ये आपके पास पॉइंट गिवन है। अब इसके नीचे आपने क्या करना है? 1 राइट कर देना है, लिख देना है। और जो बाकी के नंबर्स होते हैं उतने आपने क्या करना है? यहाँ पे 0 ऐड कर देने हैं। तो फाइनल जो इसका रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा? 47/100।
100। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आपने इस तरह से डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो आंसर क्या है, 47/100। अब इसको यहाँ पे ये जो ब्लैंक गिवन है इसको हम फिल कर देते हैं, 47/100। सिमिलरली आपने नेक्स्ट को भी अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मेरे ख्याल से ये वाली वैल्यू आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही होगी, तो इसको हम इजीली शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, बिकॉज आप इसको यहाँ पे फिर से रिटर्न करोगे, फिर से नंबर जो है वो लार्ज है, 1000 है, फिर आप उसको उतने जीरोज लगाओगे, डिवाइड करोगे, तो ऑब्वियसली काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो शॉर्टकट की मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ किस तरह से करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, 3/1000, ये 3/1000 डेसिमल में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे 3 रिटर्न कर देना है इस ज़ीरो के जगह पे, और जो बाकी के ज़ीरोज़ हैं आपने उसको उसके साथ ही रिटर्न कर देना है, 0.001 पॉइंट, और ये जो 1 रिमेनिंग रह जाएगा उसको आपने यहाँ पे 0 ऐड कर देना है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 3/1000 को 0.003 डेसिमल में। और अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आप इसको मज़ीद आके किस तरह से कर सकते हैं, 0.003 इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, 0 0 और ये 0, ये देखें आपका जो आंसर है ये 1000 नीचे, इसका फाइनल रिज़ल्ट भी निकाल देते हैं, 3/1000। तो ये देखें ये वही वाला आपके पास एक्सप्रेशन आ चुका है, मींस के आपका ये जो आंसर है ये बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है, राइट है। अब इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.003। अच्छा स्टूडेंट्स, होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी है कि हमने इसको किस तरह से कवर करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरह से लिखना है। आपने ये जो बाकी की रो है इसको आपने फिल करना है, 0.8 है, इसको भी आप रफ पे लिखें 0.8, और पॉइंट की जगह आप 1 ऐड करेंगे और साथ में क्या आ जाएगा, 0। तो 8/10 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 19 और 1000, इसको भी आपने जिस तरह से मैंने बताया ना 3/1000 इसको फ्रैक्शन में कैसे डेसिमल में कैसे लिखते हैं, आपने 19/1000 को भी डेसिमल में उसी प्रोसीजर से लिखना है, 245/1000 को भी इसी प्रोसीजर से लिखना है, एंड सो ऑन। आप ये इजीली कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इजीली टू अंडरस्टैंड। आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, फर्दर हम मूव करेंगे टुमारो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 पे, और जितनी जल्दी अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर ले तो हमारे लिए उतना आसान होगा कि हम आगे वाले क्वेश्चन भी उसी स्पीड से, बल्कि उससे भी अगर ज़्यादा स्पीड से कर सकें तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।